हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, मूल्य मॉनिटरिंग और शोध इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? हमारे ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर, डी मेघालय। और इसका सही जवाब है केरल। केरल मूल्य मॉनिटरिंग और शोध इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस इकाई दवा मूल्य नियंत्रण आदेश DPCO द्वारा आवश्यक दवाओं के मूल्य के उल्लंघन का पता लगाया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPPA ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस प्रकार की प्रणाली प्रस्तुत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित और राज्य सरकार ने जीरो फैटलिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन से ए हरियाणा, बी गुजरात, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जीरो फैटलिटी कॉरिडोर, शून्य मृत्यु गलियार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। इसकी घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के उद्घाटन समारोह के दौरान की। इसमें आउटर रिंग पर भलसवा चौक से बुराड़ी चौक के बीच 3 किलोमीटर क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया है और चुने गए स्थान में 4 ब्लैक स्पॉट्स हैं। बुराड़ी चौक, भलसवा चौक, मुकुंदपुर चौक और जहांगीरपुरी बस स्टैंड। और इस पहल को परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर रोक लगाना है। हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के प्रमुख, जिन्हें हाल ही में सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन द्वारा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन से ए आशीष चौहान, बी दीपक भार्गव, सी देवेंद्र मेहता, डी संजीव चड्ढा। और इसका सही जवाब है संजीव चड्ढा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूके हेड संजीव चड्ढा ने द्विविपक्षीय संबंधों और उनके योगदान को पहचानते हुए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। संजीव चड्ढा को लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन पीटर एल्स्टीन और शेरिफ विंसेंट कैवनी ने सम्मान के लिए नॉमिनेटेड किया था। संजीव चड्ढा ने 2014 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 98 वर्षीय लंदन कार्यालय के पदभार को संभाला था और उन्होंने ब्रिटेन भर में बैंक की उपस्थिति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वित्तीय सेवाओं में व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में भी इनका एक उत्कृष्ट भारतीय बैंकिंग समुदाय के एक प्रमुख और शहर में महत्वपूर्ण निवेश की देखरेख के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान रेपो रेट 6.5% से घटाकर कितनी कर दी गई है? हमारे ऑप्शन से ए 6.3%, बी 6.25%, सी 6.0%, डी 6.15%। और इसका सही जवाब है 6.25%। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने मौद्रिक नीति रुख को बदलने और वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रमुख ब्याज दर को घटाकर 6.25% करने का स्वागत किया है और कहा कि यह बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक नीतिगत वक्तव्य है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों और घर खरीदारों को किफ़ायती दर पर कर्ज मिलेगा। और सरकार ने इसके अलावा RBI द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाई रोक को हटाने के फैसले का भी स्वागत किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि RBI के रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती से यह 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हमारे ऑप्शन से ए संशोधन में एक नई धारा 6AA जोड़ी गई है, बी इसका उद्देश्य पायरेसी पर लगाम लगाना है, सी इसमें 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है, डी उपयुक्त सभी सही है। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी सही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 को प्रस्तुत करने से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्य फिल्म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर अधिकृत कैमफोर्डिंग और फिल्मों की कॉपी बनाने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को भी शामिल किया है। इसमें जो है धारा 6AA जो है वो अन्य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण के उपयोग करके किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से को प्रसारित करने या उसको प्रसारित करने का प्रयास करने या फिर उसको सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन से ए गृह मंत्रालय, बी आवास व शहरी मामले मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका सही जवाब है आवास व शहरी मामले मंत्रालय। 5 फरवरी को केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय ने शहरी समृद्धि उत्सव को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य शहरी आजीविका पर फोकस करना है। इस इवेंट के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की पहुंच को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य निर्धन जनों को कौशल विकास के द्वारा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है और इससे देश में निर्धनता को कम करने में सहायता मिलेगी। और इसमें 2 योजनाओं का समावेश है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह शहरी भाग है, इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास व निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह ग्रामीण भाग का है और इसके लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही सेंटिनल जनजाति किस द्वीप की निवासी है? हमारे ऑप्शन से ए बेरन द्वीप, बी पोर्ट ब्लेयर, सी नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, डी सिंक व रेडस्किन द्वीप। और इसका सही जवाब है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस द्वीप में प्राचीन जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का बाहरी विश्व के साथ कोई संपर्क नहीं है और यह जनजाति बाहरी विश्व से संपर्क रखने की इच्छुक भी नहीं है। इसी कारण इस द्वीप पर प्रवेश करने वाले लोगों के साथ इस जनजाति द्वारा अक्सर हिंसक व्यवहार किया जाता है। हाल ही में इस द्वीप पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अमेरिकी नागरिक की हत्या इस जनजाति द्वारा की गई। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर प्रवेश करना कानून के मुताबिक निषिद्ध है और अंडमान व निकोबार द्वीप रेगुलेशन 1956 के द्वारा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस द्वीप का चित्र और वीडियो लेना भी कानूनन अपराध है। यहाँ की जनसंख्या करीब 40 से 400 के बीच में है। हमारा अगला क्वेश्चन, राहत नामक मानवीय सहायता व आपदा अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हमारे ऑप्शन से ए गुजरात, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पर जयपुर, कोटा तथा अलवर में 11 से 12 फरवरी के दौरान आपदा राहत अभ्यास राहत का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय थल सेना के स्थान पर जयपुर बेस्ड सप्त शक्ति कमान संयुक्त मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास राहत का आयोजन करेगी और इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के साथ मिलकर किया जाएगा। और इस अभ्यास में विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। NDMA एक वैधानिक संस्था है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसके प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लिए गए हैं। इसका कार्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा में समन्वय के साथ शीघ्र अनुक्रिया करना है।
हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकारात्मक अंक के विरुद्ध निर्णय दिया? हमारे ऑप्शन से ए मद्रास, बी चेन्नई, सी मदुरै, डी वेल्लोर, और इसका सही जवाब है मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में नकारात्मक अंक देने को गलत बताया है। न्यायालय ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग के कारण बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान समाप्त हो जाएगा। यह सुनवाई एस नेल्सन प्रभाकर नामक आईआईटी जेई अभ्यर्थी की याचिका पर की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 की थीम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए आपकी सुरक्षा आपके परिवार को सुरक्षित करता है, सड़क पर सतर्क रहें, बी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सी सड़क सुरक्षा एक अभियान है मध्यांतर नहीं, डी सड़क पर सुरक्षा के साथ चलें। इसका सही जवाब है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च मार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराना और नियमों के पालन के लिए जागरूकता फैलाना है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के लिए निजी फर्में, एनजीओ और परोपकारी संगठन भी सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत में 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है इस जागरूकता अभियान के दौरान पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराया जाएगा। हेलमेट का उपयोग और सड़क सुरक्षा के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, वर्कशॉप, सेमिनार, स्कूटर रैली और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, सरकारी मापदंडों का उल्लंघन करने पर निम्न में से किस बैंक पर आरबीआई ने क्रमशः 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शन है ए यूको बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी सिंडिकेट बैंक, डी उपयोग सभी सही है, और इसका सही जवाब है उपयोग सभी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 प्रमुख बैंकों यूको बैंक, एक्सिस बैंक और सिंडिकेट बैंक पर अलग अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाया है। विनियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए इन बैंकों पर अलग अलग मौद्रिक दंड भी लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का अनुपालन न करने के कारण यूको और एक्सिस बैंक पर अलग अलग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर चेक के जरिए भुगतान से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य मामले में एक्सिस बैंक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नकली नोट का पता लगाने और उसे जब्त करने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है और आरबीआई ने बताया है कि उसने सरकारी स्वामित्व वाले सिंडिकेट बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी रोकने एवं जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, INF संधि किन 2 देशों से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से ए अमेरिका और जापान, बी रूस और भारत, सी अमेरिका और रूस, डी जर्मनी और भारत। इसका सही जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।